नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि दोपहर के कारोबार में कमोडिटी मार्केट में आपको कहां पर मुनाफा मिलने वाला है। हमारे साथ एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता जुड़े हैं आपको बताने के लिए। अनुज, स्वागत है आपका। गोल्ड और सिल्वर का मार्केट अभी भी दबाव में ट्रेड कर रहा है, क्या इंट्राडे में आपको लगता है कि ये कमजोरी और बढ़ने वाली है? मृत्युंजय गुड आफ्टरनून, हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड पकड़ा है वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और करेक्ट हो सकती है। तो इंट्राडे में हमें लगता है कि मार्केट में गिरावट हो सकती है। हालांकि वेडनेसडे को फेड की मीटिंग है, तो हमें लगता है कि थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, मगर जो ट्रेंड है थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। और अगर गोल्ड में एक लेवल की बात करें तो हमें लगता है कि 28,350 से 28,300 के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आपका व्यू सिल्वर को लेकर क्या है अनुज गुप्ता? क्या आपको लगता है क्या चांदी में भी बिकवाली करना ही बेहतर रहेगा? और देखिए, सिल्वर अगर देखें तो वीकली बेसिस पर $16 के नीचे ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेंड सिल्वर ने पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि सिल्वर में इंट्राडे में नीचे करीबन 36,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो सिल्वर में भी बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है। ओके, क्रूड को लेकर आपका ताजा आउटलुक क्या है, क्योंकि अमेरिका से लगातार कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने की बात की जा रही है, बढ़ने की खबरें आ रही हैं, आपको लगता है कि ऐसे में क्रूड का मार्केट अभी दबाव में ही रहने वाला है? देखिए, क्रूड में देखें तो 3600 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं $55 मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो मुझे लगता है कि अगर भाव नीचे मिलते हैं तो बाइंग करना चाहिए। ऊपर करीबन 3320 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मार्केट हमें लगता है कि अभी फिलहाल एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो सेलिंग के लिए अभी वेट करें। 3600 के आसपास, 50 के आसपास हमें लगता है कि बाइंग करना चाहिए। ओके, कॉपर को लेकर के आपका कमेंट क्या होगा? कॉपर में आपको लगता है जो करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पर अब बाजार ज्यादा नहीं नीचे जाएगा, बॉटम आउट हो चुका है, बाय करना चाहिए? देखिए, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस ले, बट मुझे लगता है कि एक बार अगर भाव थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ 427 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस हफ्ते भी कुछ मार्केट नेगेटिव ट्रेड में ट्रेड हो सकता है और नीचे टारगेट करीबन ₹420 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ग्वार और मस्टर्ड, इन दो काउंटर के ऊपर क्या व्यू है आपका? देखिए, ग्वार में हमने देखा था कि पिछले हफ्ते एक पॉजिटिव क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया था और हमने फ्राइडे को भी एक अच्छा बाउंस बैक देखा था। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर टेक्निकली देखने को मिल सकती है, जो कि ऊपर करीबन ₹3960 तक देखने को मिल सकती है, तो ग्वार में बाय कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम सरसों की बात करें तो हमें लगता है कि सरसों में बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है, उनसे टारगेट करीबन 3920 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए फाइनल ट्रेड।